चैलेंज। तो आज के वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें हम लोगों को कभी ना कभी इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद उसको रिमूव करने का टाइम आती है तो हम लोग सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे और मेकअप भी बहुत ही अच्छे से निकल जाए। तो आज जो वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू मैं शेयर करने आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ वो है ये गार्नियर का। मार्केट को स्टार्ट करते हैं पर वीडियो में जाने से पहले मिक्सर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसके पास जो छोटा सा बेल बटन है उसे भी हिट कर दिया है ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए और ज़्यादा ना देर करते हैं, देख लेते हैं वाटर। तो मैं इस जो गार्नियर का माइसेला वाटर है इसे बहुत टाइम से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जो नया है ये मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक है मैंने इसे ख़रीदा है उसे इस्तेमाल कर, बट जब से मैं इसे ख़रीदा हूँ तब से मैं इसके बारे में भूल ही चुकी हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। तो इसका जो पैकेजिंग होती है वो सिमिलर ही होता है पर इसका जो कैप है वो डिफरेंट होता है। ये जो है ये पिंक का कैप है और ये जो है वाइट, और इसमें 2 वेरिएंट आती है, ये एक है नॉर्मल जो क्लीन करता है हमारे नॉर्मल मेकअप को और ये है एक जो है ऑयली मेकअप रिमूवर जो कि हमारे वाटर प्रूफ मेकअप है उसे रिमूव करने में मदद करती है। और आप देख सकते हैं ये जो बोतल है ये जो यहाँ पे जो वाटर है टोटली क्लीन वाटर है पर इस जो वाटर प्रूफ वन है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्दी काइंड ऑफ चीज़ दी गई जो है ये ऑयल जो हम जब इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये पानी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है और हमारे जो मेकअप है उसे रिमूव करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये 2 प्राइस में आती है, ये जो नॉर्मल वाला मेकअप रिमूवर है इसका प्राइस है 175 रुपीज़ और जो वाटर प्रूफ मेकअप है उसका जो प्राइस है वो है 225 रुपीज़, बट हमेशा आपको सेल में मिल जाएगी। और ये जो पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको आप आसानी से ले के इसे ट्रैवल कर सकती है। और ओके जो ये जो मेकअप रिमूवर है वो बेसिकली सेंसिटिव स्किन के लिए बनाई जाती है पर अगर आप नॉर्मल स्किन के भी पीपल हो तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकती हो। और माइसेला वाटर ऑयली मेकअप रिमूवर होता है वो ऑयल स्किन टाइप का होता है, तो मुझे तो ये दोनों बहुत ही पसंद है। गाइस गार्नियर का जो माइसेला वाटर आती है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती है और इसमें नो प्राइस, और ये जो ऑयल वाला जो मेकअप रिमूवर है वाटर प्रूफ मेकअप रिमूवर वो हमारे स्किन को नरिश करती है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो क्वांटिटी है वो 125 ml आपको प्रोडक्ट रिसीव होती है दोनों में ही सेम टू सेम। इसमें नो एडेड फ्रेग्रेंस, मतलब इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती है एंड नो अल्कोहल जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करने के चाहूँगी क्योंकि अल्कोहल वाला प्रोडक्ट जो होती है हमारे स्किन के लिए बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है। तो मैं इसे डेली आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप डेली मेकअप करते हैं तो डेली, लोगों को पता ही जो इनवाई का जो लिपस्टिक आती है वो वाटर प्रूफ आती है, तो मैंने यहाँ पर मेरे हाथ में थोड़ा सा स्वेच कर लिया था तो ये अभी ड्राई हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी, जो मेरा नॉर्मल मेकअप रिमूवर है उसे मैं मेरे कॉटन पैड में लूँगी और इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये रिमूव नहीं हो रहा है, पर ये जो लाइनर ही ये वाटर प्रूफ नहीं है। तो अगर मैं ऐसे रब करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये निकल आ रही है। तो ये है ये नॉर्मल मेकअप रिमूवर जो आपको नॉर्मल मेकअप तो रिमूव करती है पर ऑयल प्रूफ जो मेकअप होती है उसे रिमूव नहीं कर पाती है। तो अब मैं ट्राई कर लूँगी ये जो वाटर प्रूफ मेकअप रिमूवर है उसको मैं लूँगी कॉटन पैड में। उसके बाद मैं इसे रिमूव करके देखती हूँ, उस टाइम के लिए लगा के फिर रब कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये चला गया और ये जो मस्कारा है वे भी वाटर प्रूफ है, ये भी बहुत ही अच्छी से निकल गया आप देख सकते हैं।
तो मैं इस तो जो मेकअप रिमूवर है इसे हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। तो यही था आज की रिव्यू। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती तो नेक्स्ट मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर।